गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। ईआर डॉट एमतेज क्लासेस या ईआर डॉट एमतेज क्लासेस परिवार में हम सभी लोगों का स्वागत करता है। पर डे आप लोग जो है इसको इनोवेट कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हो, जिससे आने वाले सभी लोगों के लिए विशेष करके ये सत्र जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो आने वाले दिनों के अंदर हम कुछ सत्र जो है आपके अंदर डिलीवर करेंगे इन चीज़ों के अंदर, तो उसी के अंतर्गत जब बात करते हैं तो आपका चैप्टर होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं क्षेत्र नीति। जब किसी भी क्षेत्र का हम एरिया निकालते हैं, जिसको क्षेत्रफल निकालना होता है, तो इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो आपका होता है अप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला। हीरो फार्मूला जो होता है जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन। एसएससी बैंकिंग आदि सभी परीक्षाओं के लिए विशेष करके क्या होता है महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है आपका क्षेत्र मिति। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद जब दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आयतन होगा, वैल्यूम होगा, जो सभी के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण सत्र है और बहुत ही आसान वे में बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार और शानदार जबरदस्त तरीके से। जैसे हमको किसी भी क्षेत्र का क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। एरिया निकालना सबसे पहले उसका अगर जब परिमाप निकालना हो, सपोज दैट हम आज जो बात करेंगे वो केवल परिमाप के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जब कल हम आप लोगों के सामने डिस्कशन करेंगे तो कल हम क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आज पहले जान लेते हैं परिमाप होता क्या। एक्चुअली परिमाप होने के लिए आप सबसे बात करो, ये आपका कोई त्रिभुज है मान के चलो, और इसके कोई बिंदु मान लिया, ये आपका ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और ये बिंदु कितना हो गया, सी हो गया। इस टाइप का कोई त्रिभुज है, इसको आपको स्केल से पटरी से बनाना है, ड्रा करना है। सपोज दैट मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है, ये परीक्षा में दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका कितना है, ये सपोज दैट मान के चलो ये भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। ये किस टाइप का त्रिभुज है, ये देखो त्रिभुज मेनली 3 टाइप के होते हैं। ये उसी के अंतर्गत जब बात करते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जिनकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, वही त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ ये है ना कि इसमें दो भुजाएं, एक भुजा ए बी होगी, दूसरी भुजा क्या होगी ए सी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका जब परिमाप निकालते हैं तो परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, क्या हो जाता है, सभी भुजाओं का योग, या इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे उसको ध्यान देंगे तो इसको बोलेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम में पूछा गया कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, अब इसका परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ोगे, पहला क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा का क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये इस भुजा का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि हमको कोई और ट्रायंगल दिया होता, सपोज दैट दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका कोई त्रिभुज है, इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 एंगल होते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ट्रायंगल। ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, ये कोण हो गया। अब इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, मान के चलो ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये सी हो गया, इसमें ये 6 सेंटीमीटर मान के चलते, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका कितना है, ये आपका 4 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ गया कोई विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का आपको परिमाप ज्ञात करना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। द साइड विच विल आर नॉट इक्वल टू द ईच अदर, दैट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल, हैव अ सम डिफरेंट साइड, इसकी कुछ ना कुछ डिफरेंट साइड होती है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। मान के चलो 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसके थ्रू आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इसमें भी इसका एक ही फंडा होता है, आपको किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना हो तो उसमें सभी साइड का जोड़ कर दो या उसका सम कर दो। तो इसमें जब हम करेंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आपका परिमाप बराबर सभी साइड का योग करोगे, ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 5, 6 4 10 5 15 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, अगर यहाँ मीटर दे रखा होगा तो आप क्या रखोगे, मीटर लोगे, यहाँ किलोमीटर दे रखा होगा तो आप क्या लोगे, किलोमीटर लोगे। ये आपके मात्रक के ऊपर निर्भर करता है कि पेपर में जो है किस टाइप का मात्रक दे रखा है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर मात्रक
निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये संधि बाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब तीसरा और बात करते हैं, तीसरा जो होता है आपका वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वही त्रिभुज आपका क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री क्योंकि सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब बात करते हैं इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो मान के चलो ये आपका क्या है, कोई त्रिभुज है, और ये आपका कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज के ये बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु कितना हो गया, सी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बोल दिया। मान के चलो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है 6 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी भुजा आपकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन पेपर में ऐसा दे दे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका पेरीमीटर, तो ऐसे लिखोगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलेटरल, दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विच बी ऑल साइड विल बी इक्वल टू द ईच अदर बट हैव नॉट डिफरेंस बट टाइप्स ऑफ साइड बट द इक्वल साइड, सपोज दैट दिस इज द 6 सेंटीमीटर, अनदर इज द 6 सेंटीमीटर, सम ऑफ द ऑल साइड इज टोटल इज इक्वल, all side is equal, each side is equal, so I will do the sum, then I will get a total equal value, suppose that I will take a 6 centimeter, then 6, another 6 and 6, sum of all side, 6 plus 6 plus 6, 6 दिया कितना हो जाएगा, 18 centimeter, 6 3 जाए 18 centimeter, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ये त्रिभुज के केस में जब बात करते हैं, यहां पर इस